तमाम के मेंबर्स ने पूरे तरीके से घात लगा के बैठा होगा, लगा के बैठे होंगे वो। टोटल 3 टीमें, 10 मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं। रॉयल्स के जीव राणा उन्होंने तो नवजोत के द्वारा 4x है उनके पास, काफी प्यारा स्प्रे आया है। वार के मेंबर्स को फटाफट से के लिए जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। एमओएम के पास इजी चिकन डिनर आ सकता है, जोन के अंदर है। रॉयल्स की टीम जोन के एज पे आने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा शैक है वहां पे शैक पे आ सकते हैं वो लोग। यस, शैक का कवर ले सकते हैं। बट वार की स्क्वाड नीचे के साइड पे आ गई और शायद एमओएम की स्क्वाड को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है। सरप्राइज दे सकते हैं, मावी काफी ज्यादा क्लोज है। रॉयल्स के टाक यहाँ पे डाउन हुए क्लोक के द्वारा और शायद फिनिश भी हो जाएंगे। वार एंड तो दलजीत व्यापार ऊपर से स्मोक्स वॉल बना रहे हैं, जोन के अंदर आने की कोशिश करेंगे। बाकी ब्रॉल जिब्रा को नवजोत के द्वारा फिनिश किया गया, क्लॉक शॉट्स दे रहे हैं। आइकॉनिक आई गेस अकेले बचे हुए एक बार फिर से, बट वार वर्सेस एमओएम होता हुआ काफी ज्यादा क्लोज आ चुके। बिलीव की बात करें, मावी और वैम्पायर उनके चेस्ट सामने, एंटो और दलजीत के बाद क्लोज है। वार मावी एंटो डाउन होते हुए यहाँ पे, वार एंटो दूसरे तरफ से शॉट देते हुए मावी डाउन करेंगे एमओएम। बिलीव को एंटो डाउन है और दलजीत रिवाइव करेंगे उनको जोन के एज पे। अभी के लिए जोन सबसे हटता हुआ, ब्रॉल के लिए जोन के अंदर निकल सकते हैं। आइकॉनिक डाउन है वहाँ पे, नवजोत की बात करें वो भी डाउन हो चुके और क्लोक अकेले बचे हुए अपनी टीम से, देखते हैं क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। डार्क बचे हुए, आइकॉनिक नॉकडाउन पड़े हुए, आइकॉनिक को रिवाइव करना पड़ेगा। क्लोक अपनी टीम से अकेले जिंदा है, नेट कर सकते हैं वार मावी या फिर वैम्पायर दोनों को स्पॉट कर सकते हैं। वैम्पायर काफी ज्यादा ओपन से निकलते हैं बट क्लोक चूक गए और अभी के लिए कोई भी टीम जोन के अंदर है नहीं। सबसे ज्यादा क्लोज जो टीम है वो है ब्रॉलर्स की टीम और मे बी सेकंड चिकन डिनर वो निकाल सकते हैं। मावी की बात करें दूसरे साइड से रोटेट कर रहे हैं, वैम्पायर भी रोटेट कर रहे हैं। दलजीत और एंटो की बात करें, 4 के 4 मेंबर्स जिंदा है। मॉली आई है क्लोक पे, थोड़ा सा डैमेज लिया है उन्होंने बट अभी के लिए जोन के एच पे पहुंचते हैं। ब्रॉन्ज की टीम आगे जोन के अंदर पहुंच जाएगी, यस बिल्कुल जैसा मैंने कहा था ये शैक जोन के अंदर है और मे बी ब्रॉन्ज की टीम यहाँ पे चिकन डिनर भी निकाल सकती है। पिछले मैच में हमने देखा था डार्क और आइकॉनिक ही बचे थे और इस मैच में भी डार्क और आइकॉनिक ही बचे हैं। देखते हैं पिछले मैच में जिस तरीके से आइकॉनिक ने चिकन डिनर निकाला था, इस मैच में भी चिकन डिनर निकाल सकते हैं यानी। अभी के लिए शैक है उनके पास बट नेट अगर आया वार स्क्वाड के द्वारा तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। दलजीत की बात करें क्लोज है, डाक का फुटस्टेप्स वगैरह सुन चुके हैं। अभी के लिए डाक के पास नेट्स वगैरह है या नहीं, चैट में गेस करो कौन सी टीम चिकन डिनर यहाँ पे निकाल के जाएगी। लगभग सारी टीम जोन के अंदर आ चुकी है, दरवाजा बंद किया गया है डाक के द्वारा। बाकी ब्रॉलर्स के पास किल्स कितने, 3 किल्स हैं। डाक की बात करें तो 2 है। वैम्पायर यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज आते हुए, मावी एक का नेट कर दिया है आगे के साइड पे, सामने नेट किया है वैम्पायर और बाकी सारे मेंबर से फोर मावी को डाउन किया गया। नेट काफी ज्यादा प्रिसाइज था, वो पता था अंदर के साइड पे आएंगे, नॉक हुए और पूरी तरीके से फिनिश भी हुआ। आइकॉनिक बचे हुए हैं यहाँ पे, दलजीत अंदर के साइड पे आए, एंटो को काफी ज्यादा शॉट पड़ता हुआ, दलजीत दूसरे साइड से रोटेट करके आएंगे। आइकॉनिक क्या कर सकते हैं, अपनी टीम को चिकन डिनर निकाल सकते थे, इजी चिकन डिनर निकाल सकते थे। दलजीत को भी डाउन किया था, एंटो अकेले बचे हुए हैं। क्लॉक ऊपर के साइड पे है, 1v1 का सिचुएशन होता हुआ, ओआर के 3 मेंबर जिंदा है। अब 2 दलजीत एमओएम क्लॉक वर्सेस ओआर एंटो, कौन बढ़िया चिकन डिनर निकाल सकता है। एक नेड ओके, एक मॉली उड़ता हुआ आया है बट पेड़ का कवर उनके पास अच्छा खासा मॉली था, थोड़ा सा और अगर हट के फेंकते तो फिर शायद पड़ सकती थी एंटो को। बट आइकॉनिक का क्या बढ़िया गेम प्ले देखने को मिला है, 2 मेंबर्स को उन्होंने डाउन किया था, अकेले बचे हुए थे 1 मेंबर, बट एंटो ने पीछे से शॉट किया, पूरी तरीके से फिनिश किया। क्लॉक की बात करें तो उन्होंने लेफ्ट साइड चूज किया रोटेट करने के लिए और काफी ज्यादा ओपन से रोटेट कर रहे हैं। दलजीत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, मुझे नहीं पता, बट क्लॉक काफी ज्यादा ओपन में डैमेज दे सकते हैं। एंटो की बात करें तो फुल एचपी पे है, दलजीत को यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है। लोग अभी भी पीछे के साइड पे हैं और 1v1 का सिचुएशन अब 1v2 का सिचुएशन हो जाएगा। हील कर देंगे दलजीत को, क्लोक अगेन रश करते हुए बट उनके पास एक पेड़ का कवर है। जोन दोनों ही टीम के पास है, कहीं जाने की जरूरत है नहीं। 14 सेकेंड्स हैं, 13 सेकेंड्स अभी भी बचे हुए। यस बिल्कुल, एक मॉली की गई है, फर्स्ट एड किट्स वगैरह दिया जाएगा, एक M24 भी है। क्लॉक पे चलते हैं, 1v2 का सिचुएशन उन्हीं के लिए है बट अभी के लिए इनके पास ओके, सामने से M249 और बाकी सारे मेंबर्स चल रहे हैं। वार दलजीत काफी ज्यादा डैमेज खा चुके हैं, जोन के बाहर है और मुझे लगता है जोन के बाहर डैमेज लेके खत्म हो जाएंगे। वार ओके, मॉब क्लॉक का काफी ज्यादा प्यारा स्प्रे आता हुआ, दलजीत को डाउन किया। क्लॉक प्ले जोन के बाहर है, हील बैटल करते हुए क्लॉक पटवा रहे हैं तो सामने से शॉट देते हुए और इसी के साथ वार स्क्वाड चिकन डिनर निकालते हुए विद 9 किल्स। हिट दैट लाइक एंड